बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बन रहे हैं सैंडविच, चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 किलो आलू बॉईल करके अंदर 2 मीडियम प्याज काट के डाल दिए हैं और साथ में 250 ग्राम चिकन, नमक और काली मिर्च डाल के बॉईल कर लिया था, उसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसके ऊपर नींबू निचोड़ेंगे और साथ में इसके अंदर सब्ज़ धनिया डालेंगे, सब्ज़ मिर्चें डालेंगे, नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितनी आपको पसंद है उतनी डाल ही दें। यहाँ पे मैंने कुछ सब्ज़ मिर्चें भी काट के डाल दी हैं, ज़ीरा डाला है और ब्लैक पेपर जो है डाल के इसको मिक्स कर लिया है। अब मैंने एक कोली में बेसन, काली मिर्च, नमक की एक बारीक सी पेस्ट बना ली है और अपने जो ब्रेड थे उनको गोल राउंड में काट लिया है। और इसको लेके मैं अब अपना जो बेसन की मैंने लई सी बारीक सी पतली सी बनाई है उसके साथ इसको डिप करके तो इसको मैं फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे मैंने ब्रेड थोड़े से गीले किए थे, गीले करके जो मैंने अपना आलू का बैटर बनाया था वो इसके अंदर फिल किए हैं। और ये देखिए, ये बेसन के अंदर अच्छी तरह से बहुत बारीक सी बेसन की मैंने लई बनाई है और इसको अब हम फ्राई कर लेंगे। इसको आप डिफरेंट शेप्स देख के भी फ्राई कर सकते हैं, बच्चों को बड़े अच्छे लगते हैं डिफरेंट शेप। आप इसको, मैंने यहाँ पे ट्राई एंगल और स्क्वायर दिया है, सॉरी सर्कल दिया है, आप स्क्वायर या कोई भी इसको अपने बच्चों की पसंद की शेप से करके फ्राई कर सकते हैं। इसको फ्राई कीजिए और चाय के साथ सर्व कीजिए, बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं और इन्जॉय करते हैं इस तरह के मील को। हेल्दी मील है, इसमें बच्चों के लिए सब कुछ आ रहा है, मीन्स इसमें कार्ब्स भी आ रहे हैं, इसमें प्रोटीन भी हैं और फैट्स थोड़ी ज़्यादा हैं। आप चाहे तो सैंडविच, क्लब सैंडविच भी बना सकते हैं, फ्राई ना कीजिए, ऐसे ही इसको सैंडविच को बना के तवे पे या सैंडविच मेकर में इसको ग्रिल करके बच्चों को दीजिए और इन्जॉय कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।